नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रश्नों पर आपत्ति के लिए। इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं जिनका एक या दो नंबर से कट ऑफ पार होने से रुक रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, और अभी तक जिसने हमारे जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में घंटी का चिन्ह है उसको दबा लेना ताकि ऐसी आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। दोस्तों, वीडियो को आगे शेयर और लाइक जरूर करना। दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाथ पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर में मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ दोनों सही हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई, किसने बनवाया था? उत्तर में महेंद्र बर्मन सही है, जबकि नरसिंह बर्मन मंदिर को सिर्फ बनवाया था। और भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो उत्तर में प्रति व्यक्ति आय के। और पढ़ने और लिखने की क्षमता उत्तर में है डिस्प्रेक्सिया। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो इनमें भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो कि क्वेश्चन गलत है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनता है, जिससे वह उपलब्ध अधिसाधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थक हो सके। यह कथन है SN मुखर्जी द्वारा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपके क्वेश्चन जो हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रश्नों में आपत्ति के लिए, इन प्रश्नों को देख सकते हैं। ये आपत्ति के कुछ प्रश्न हैं जिनका एक या दो नंबर से कट ऑफ पार होने से रोक सकते हैं। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, फिर से नमस्कार।